हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फंडा विद पू। तो आज मैं लेके आई हूँ पतली लड़कियों के लिए ब्लाउज डिज़ाइन। अगर आप पतली हैं, आपका नेक एरिया काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो ये डिज़ाइंस आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। या फिर आप किसी पार्टी में या ऑफिस वेयर में, दोनों के लिए ही ये परफेक्ट है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी प्लेन सूट को कैसे पहने जिससे वो ज़्यादा स्टाइलिश लगे, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट डिज़ाइन है यानी लुक नंबर वन, वो है बोट नेक। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बट आपके आउटफिट को, आपके ब्लाउज को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाएगा, आपके नेक एरिया को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। तो अगर आपका नेक एरिया काफ़ी ज़्यादा पतला है और आप सिंपल सोल्यूशन ढूंढ रही हैं, तो ये परफेक्ट डिज़ाइन है आपके नेक को इन्हांस करने के लिए। तो हमारा जो सेकेंड नंबर है वो है लुक नंबर टू, तो वो है हॉल्ट नेक। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिज़ाइन है, आपने सेलिब्रिटीज़ को काफ़ी देखा होगा। वैसे तो वो पतले होते हैं हमेशा, तो ऐसे ब्लाउजेस पहनते हैं जिससे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, और हम सोचते हैं उन्होंने ऐसा क्या पहना है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उन वो चेंजेस करते हैं बहुत छोटे से, यानी आपको भी ऐसा ब्लाउज स्टिच कराना है, आप इसको ऑफिस वेयर में भी पहनेंगी तो आपको बहुत ही डिसेंट लुक देगा। तो हमारा जो लुक नंबर थ्री है वो है फुल स्लीव्स। तो आप ना किसी भी सीजन में इसको पहन सकती हैं, ये मतलब फुल स्लीव्स आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा अगर आपका नेक एरिया काफ़ी पतला है। तो आपको क्या करना है, आपको फुल स्लीव्स रखनी है, थोड़ा सा ब्रॉड नेक रखना है, तो इससे आपकी साड़ी का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, काफ़ी डिसेंट भी लगता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। तो हमारा जो लुक नंबर फोर है वो ऑफ शोल्डर। तो आप इस ऑफ शोल्डर को अगर पार्टी वेयर में साड़ी अगर पहन रही हैं, तो आप इसको उसमें स्टिच कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपकी ये शोल्डर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाता है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है। तो आपने कुछ इस तरीके का ब्लाउज स्टिच कराना है। आप फुल ऑफ शोल्डर करा सकती हैं या फिर आप पिक्चर में देख सकती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा फुल कवरेज नहीं चाहिए तो आप ऐसा करा सकती हैं। तो हमारा जो लुक नंबर फिफ्थ है वो है ब्रॉड नेक। तो आपको कुछ इस तरीके से अगर ब्लाउज स्टिच कराती हैं तो आपका क्या होता है ना, आपको शोल्डर एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको करना है क्या है कि ब्रॉड नेक रखना है और उसके साथ आपको थोड़े से हैवी इयररिंग्स रखने हैं। तो आप इसको अगर सिंपल ओकेजन में जा रही हैं या फिर किसी अच्छे इवेंट पे जा रही हैं, तो आप कुछ इस तरीके से इसको कैरी करेंगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारा जो लुक नंबर सिक्स है वो है फुल नेक। तो अगर आप बहुत सारे ब्लाउजेस ट्राई करके थक चुकी हैं, अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो आप ना बिल्कुल इस तरीके के ब्लाउज स्टिच कराइए, ये आपको पूरी कवरेज देगा। तो आपके नेक एरिया तक ये ब्लाउज जाएगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसके साथ ज्वेलरी कैरी करती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी ये पतले नेक को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाता है, बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है। तो हमारा जो लुक नंबर सेवन है वो है स्क्वायर नेक। तो आप इसको सिंपल डे टू डे बेसिस पे, अगर आप साड़ी पहनती हैं, आप टीचर हैं या फिर आप ऑफिस जाती हैं, वहाँ पे आपको साड़ी पहनना होता है, तो आप स्क्वायर नेक के ब्लाउजेस अगर ट्राई करती हैं तो ये आपकी साड़ी और ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाता है। और अगर आप चाहें स्क्वायर नेक के साथ ऐसी आप स्लीव्स बनवा सकती हैं, तो ये बबल स्लीव्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।